हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस पंकज एंड यू वाचिंग रिव्यू आर्टिस्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन के बारे में। ये हमारे पास नेक्सॉन XMS वेरिएंट है सनरूफ वाला। और अगर आप कोई भी टाटा गाड़ी देख रहे हैं या लेना चाह रहे हैं तो आप सांगी वेस्ट स्टार उज्जैन विजिट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा डीलरशिप है। इसकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो। हमारे सामने खड़ी है टाटा नेक्सॉन की XMS वेरिएंट। और अगर बात करें फ्रंट लुक की तो फ्रंट में देखेंगे आप काफ़ी इसका एक अच्छा मस्कुलर फ्रंट लुक मिलता है। और इसमें डियाज जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। देखेंगे आप पूरी की पूरी जो है डियाज जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और अगर बात करें इसकी हेडलाइट की तो यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलती है आपको। जो लो बीम है वो प्रोजेक्टर में है, जो हाई बीम है वो हेलोजन में है। और यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ नीचे आपको टर्न इंडिकेटर देखें, फॉग लैंप का ऑप्शन नहीं है इसमें। अगर आप लगवाना चाहें तो आप लगवा सकते हैं अलग से शोरूम एंड से या फिर आफ्टर में आगे एंड से। और यहाँ देखेंगे आप तो पूरी की पूरी इसमें आपको ग्लोसी ब्लैक में ग्रिल रखी है फ्रंट में, साथ में यहाँ पर भी आपको टायर टाइप की कुछ ग्रिल रखी है। और ओवरऑल काफ़ी एक अच्छा आपको इसमें देखने के लिए मिलता है पूरा का मैं आपको दिखाऊँ। और यहाँ हम चलें गाड़ी के साइड्स में, तो यहाँ देखेंगे आप तो साइड में आपको उसमें स्टील व्हील्स मिलते हैं। और यहाँ देखेंगे आप कुछ जगह टायर है इसमें, और 195/60/R16 16 इंच की टायर है इसमें स्टील व्हील्स में। और आप देखेंगे पूरे में इसमें साइड्स में जो है वो आपको क्लेडिंग देखिए ब्लैक क्लेडिंग। और अगर बात करें इसके डोर हैंडल्स की तो यहाँ पे जो डोर हैंडल्स है वो भी एरो टाइप के दे रखे हैं ड्राई हैंडल्स। ये पेट्रोल वेरिएंट है। और अगर बात करें इसके डोर की वाइड ओपनिंग की तो अप्रोक्स 90 डिग्री वाइडनिंग आपको इसमें मिल जाती है ओपनिंग डोर की। साथ में यहाँ पे आपको ऊपर रूफ रेल रखी है, यहाँ पूरी देखेंगे आप रूफ रेल। और पीछे मिल जाता है आपको इसका एंटीना। और यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको वाइट में मतलब आपको पूरी अलोंग द साइड्स आपको ये वाइट क्लेडिंग टाइप की रखी है। अब चलते हैं इसके रियर एंड में, तो यहाँ देखेंगे आप यहाँ पर आपको एक ट्रायो टाइप की LED जो है ब्रेक लाइट मिलती है, जो आपके इंडिकेटर है वो आपको बल्ब मिलते हैं हेलोजन में। और रियर एंड में देखेंगे बात करें तो काफ़ी अच्छा इसमें रियर एंड देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ देखेंगे हम नेक्सॉन, तो नेक्सॉन की ये जो है ये ब्रांडिंग मिल जाती है ये टाटा की लोगो। और यहाँ देखेंगे नीचे हम तो कुछ आपको इस टाइप को अवार्ड मिलता है। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं टाटा नेक्सॉन के अंदर। और यहाँ हम बात करें इसके इंटीरियर की तो ये टाटा नेक्सॉन का XM वेरिएंट है ये। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर हल्की सी मेटलिक फिनिश दे रखी है। और यहाँ पे क्लोज करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक और यहाँ पे इसका जो है ड्राइवर साइड का जो मिरर है उसको हम अगर इसको नीचे करें तो यहाँ पे जो है वो मैनुअली अप डाउन होगा। और यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे आपका जो मिरर से वो यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं और कुछ स्टेप से ये देखेंगे आप ये एडजस्ट हो रहा है। और आपको बंद करना है, रिटेक्ट करना है, तो आपको वो मैनुअली करनी पड़ेंगे। सो यहाँ अगर बात करें साइड्स की तो यहाँ पे आपको इस टाइप का मिलता है इसका AC वेंट्स। यहाँ आपको ग्लॉसी ब्लैक में यहाँ पे इसका हॉर्न कुछ इस टाइप का मिलता है। साथ में यहाँ पे आपको इसके मिलते हैं म्यूज़िक कंट्रोल्स। और यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको इसको मिल जाएंगे साउंड कंट्रोल्स। और यहाँ पे आपको वाइपर्स, इसमें आपको ये ऑटो वाइपर्स का भी ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे सेंसर होंगे ऊपर, यहाँ पे इसमें आपको जो है वो लाइट दे रखी है इसमें लाइट कंट्रोल्स। और अगर बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो यहाँ पे कुछ आपको स्टेप का मिलता है पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और यहाँ अभी तो वॉल्यूम बंद कर लेते हैं। तो यहाँ कुछ आपको स्टेप मिलता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और मैं थोड़ा पास से दिखाऊँ तो यहाँ पर पूरा का पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है आपको देखने के लिए। यहाँ पर इसके RPM, यहाँ पर इसके MID, यहाँ सब आपको फ्यूल गेज मिल जाते हैं। और अगर मैं लेचन उसको सेंटर कंसोल पे तो यहाँ पे आपको सिंगल रिंग दे रखा है। और इसकी आवाज़ हम बढ़ाएं अगर तो काफ़ी अच्छी इसमें साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। और एक चीज़ और इसमें आपको दे रखे हैं ड्राइव मोड्स, मतलब ये मान लीजिए कि सेकेंड मॉडल है ये, इसमें ड्राइव मोड्स दे रखे हैं। अभी जो है ये सिटी पे है, मैं इसको चेंज करता हूँ। अभी आ चुकी है इको पे, फिर चेंज करता हूँ। अभी ये है स्पोर्ट्स पे, स्पोर्ट्स वेरिएंट पे है अभी ये। तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आपको अलग अलग दे रखे हैं कि आप कौन से मोड पे हैं क्या हैं। इसके बाद यहाँ पे फ्री को फिर सिटी। और यहाँ बात करें इसके सेंट्रल कंसोल की तो यहाँ पे सिंगल लीन मिलता है आपको। यहाँ पे आपको मिलते हैं इसके ऑडियो कंट्रोल्स, वॉल्यूम का, ये होम का मिल जाता है आपको इसमें। और यहाँ से आप इसको टॉगल कर सकते हैं, ये देखेंगे आप सोर्स में चलते हैं। सोर्स में क्लिक करेंगे तो सोर्स खुल जाएगा।
यूएसबी एफएम चलते हैं, एफएम कौन सी एफएम 91.9 हमारे चलता है उज्जैन में। तो ये शायद तो अपहरण करके अच्छी क्वालिटी लेकर आया और कुछ देखते हैं और कुछ आता है कि हमारे उज्जैन में। तो यहाँ पर 93.5 भी आता है ये। तो गाइज यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी मिल जाती है देखने के लिए, यहाँ हो स्टार या फेवरेट आगे पीछे करना वो सब चीज़ें मिल जाती है देखने के लिए। एसी की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है मैनुअल एसी, यहाँ पे देखेंगे आप ये मैनुअल। इसमें जैसे आप मतलब सही टाइम पे मतलब सही प्लेस पहुँचते हैं ना तो ये क्लिक करता है, सुनेंगे आप ये इस टाइप की ये जो है क्लिक देता है, जिससे क्या है कि मतलब अच्छा एक टच मिलता है प्रीमियम सा। यहाँ ये एसी के फ्लो हैं, फोर फ्लोर से रखें इसमें, यहाँ पे कंट्रोल्स वगैरह कि आपको एसी कितना चाहिए, यहाँ पे देखेंगे आप क्लिक हैं तो एक इसको एक मतलब इसकी जो क्वालिटी वो और इन्हांस करता है। साथ में यहाँ पे पेट्रोल के साथ में यहाँ पे आपको मिलता है 6 स्पीड का इसका मैनुअल गियर बॉक्स, यहाँ देखेंगे आप तो ये 6 स्पीड है मैनुअल गियर बॉक्स। और यहाँ पे आपको ये ड्राइव मोड्स में आपको दिखाई दिए हैं, यहाँ पे आपको इस टाइप का मिलता है इसका जो है वो हैंड ब्रेक आर्मरेस्ट समझ लीजिए इसको, पर आर्मरेस्ट होता थोड़ा थोड़ा मतलब आर्मरेस्ट नहीं है इसमें प्रॉपर, पर प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे आपको आपको कप होल्डर्स वगैरह मिल जाएंगे आप रख सकते हैं, यहाँ पे पीछे भी आपको जगह मिल जाती है बोतल वगैरह रख सकते हैं, ये हैंड ब्रेक है तो पूरा पूरा उठा हुआ है तो थोड़ा अच्छा लगता है कि पूरा पूरा देखेंगे आप। यहाँ पर आपको व्यू जो है बोनट व्यू मिलता है देखने के लिए, यहाँ पे आपको हजार्ड लैंप का स्विच, यहाँ पे आपको फ्रंट ग्लो बॉक्स है वो सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में है, यहाँ पे भी देखेंगे आप यहाँ पे आपके जो कप होल्डर रख सकते हैं वो। और ये क्या ये हमें टाइगर सा क्यों दिख रहा है, यहाँ हमें टाइगर दिखता है बना हुआ, यहाँ पे आप पेन रख सकते हैं, टिकट होल्डर्स वगैरह भी है यहाँ पे वो सब। और ये पूरी पूरी मेटलिक फिनिश में रखा है ये ग्लॉसी मेट फिनिश में। और यहाँ अगर ऊपर जाएं तो ये रीडिंग लैंप हो गई XMS वेरिएंट सनरूफ वाला, तो यहाँ देखेंगे आप तो सनरूफ जो है वो हमने ओपन कर दिया है इतना। और सनरूफ का ओपन करते हैं तो ये सिंगल टच में जो सनरूफ है ये ओपन हो जाता है और सनरूफ पीछे तक जाता है पीछे तक, तो इसका जो सनरूफ है पीछे तक ओपन हो सकता है। और अगर उसको आपको क्लोज करना है तो ये क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी जो है ब्लाइंड वो आपको मैन्युअली बंद या फिर ओपन करना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छा सनरूफ इसमें है, साइज़ भी डिसेंट सा है मतलब फुल बॉडी तो नहीं है पर अच्छा साइज़ है। सो और यहाँ पे अगर बात करें इसके सनशेड की तो यहाँ पे आपको टिकट बता सकते हैं, यहाँ पे जो आप है वो आपको जो मिरर्स हैं वो हैं आपके। सो कुछ ओवरऑल आपको मिल जाता है पूरा पूरा इसमें हार्ड प्लास्टिक है। सो अब चलते हैं गाड़ी के रियर सीट्स में और देखते हैं हमें वहाँ क्या कुछ देखने मिलता है। अब हम आ चुके हैं गाड़ी के रियर सीट्स में और देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो इंड्रेस है वैसे सीट जो है इसकी काफ़ी कुछ नहीं है हाँ, और जो साइड सीट है वो मेरे हिसाब से एडजस्ट है। सो यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको नीचे का कप होल्डर मतलब ये तो काफ़ी लंबा है, मतलब यहाँ पे आप अपना पर्स हुआ कुछ फ़ोन वोन चार्ज लगाना बोल सकते हैं। और बात करें डोर पेड की तो यहाँ पे आपको ये कॉइन्स रख सकते हैं या विंडो, यहाँ आपका जो हैंडल है वो ब्लैक में रखा है क्योंकि बेस वेरिएंट है, यहाँ पे कोट हुक है और ये सॉफ्ट एनक्लोजर के साथ में इसका जो ग्रैब हैंडल है वो रियर सीट में। और काफ़ी अच्छी यहाँ पे जगह मिल जाती है आपको जो 3 लोग हैं वो बैठ सकते हैं, चौड़ी है इसकी काफ़ी इतनी है चौड़ाई और यहाँ पे भी सामने कोट हुक दे रखा है सो अच्छी है। और यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको जो है ये एडजस्टेबल है, ये आप जो है आपका ड्राइवर साइड जो है और को ड्राइवर साइड जो सीट बेल्ट है वो भी एडजस्टेबल मिल जाते हैं। और यहाँ पीछे आपको जो है हेडरेस्ट है वो फिक्स्ड मिलते हैं तो स्पेस वाइज काफ़ी अच्छी है, फीलिंग वाइज भी काफ़ी अच्छी एयरी फीलिंग होती है, यहाँ पे जो ग्लास एरिया है वो काफ़ी अच्छा है वो भी बना है। इसकी बूट ओपन तो यहाँ पे बूट ओपन का स्विच देखा है, ये यहाँ से बूट ओपन जो है हो जाती है और यहाँ पे इसकी बूट ओपन है वो हो चुकी है, यहाँ देखेंगे आप तो कुछ आपको काफ़ी बड़ी साइज़ की बूट स्पेस मिलती है, यहाँ पे आपको लैम्प मिल जाएगी पीछे, यहाँ पे आपको हुक्स मिल जाएंगे कुछ टांगना है, यहाँ पे आप बोतल वगैरह रख सकते हैं या कुछ और चीज़ रख सकते हैं। यहाँ पे टाटा की आपकी मोबिलिटी भी मिल जाती है जिसमें आपको टायर पंचर होता है तो आप उसको हवा वगैरह भर सकते हैं। और यहाँ पे इसके साथ में इसका टायर जो है वो 16 इंच का है। सो XM वेरिएंट भी मतलब काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि इसमें फीचर्स भी आते हैं, आपको मिस्टम आ जाएगा, आपको सनरूफ आ जाएगा, सनरूफ चाहिए सबसे बेस में आपको यही मिलता है देखने के लिए। बाकी टाटा की जो बिल्ड क्वालिटी है वो है काफ़ी अच्छा, इसमें आपको लुक वगैरह मिल जाता है, परफॉर्मेंस अच्छी है, पेट्रोल में और डीजल में माइलेज भी अच्छी मिल जाती है। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।